Welcome back friends on a study splinter. Today we are going to see soil and foundation engineering. This is very important for any upcoming exam like DMRC, LMRC and NBCC, and also very important for all other exam SSC JE and IES and other AEN JE exams. Please subscribe to Study Splinter and like and share the video. Moving ahead, today's first question: the coefficient of curvature for a well-graded soil must be in range. तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वेल ग्रेडेड सॉइल का कितने रेंज में होना चाहिए. तो देखिए ये इसका रेंज जो होता है वो 1 से 3 होता है. तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 1 से 3 हो, तो नन ऑफ अबव करेक्ट हो जाएगा. तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता क्या है और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ देखेंगे. देखिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है ये शेप ऑफ पार्टिकल शो करता है. किसी भी सॉइल में अगर पार्टिकल साइज रेंज की ग्राफ है तो उसमें जो है ये शेप ऑफ पार्टिकल शो करता है. सीसी इक्वल टू होता है d30² / d10 × d60, और वेल ग्रेडेड के लिए होता है सीसी 1 से 3, और फॉर ग्रेवाल के लिए होगा सीसी की वैल्यू 6 से ज़्यादा और सैंड के लिए होगा 4 से ज़्यादा. अगर गैप ग्रेडेड सॉइल है तो सीसी की वैल्यू <1 और >3 होगी. ठीक है, तो ये अपना कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है. अब देखते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. CU जो है डिफाइन है d60/d10, ये पार्टिकल साइज रेंज शो करता है और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए होता है 5 से 15. CU की वैल्यू वेल ग्रेडेड सैंड के लिए ये CU जो है > or = 6 होता है, और वेल ग्रेडेड ग्रेवाल के लिए CU > or = 4 होता है. और अगर वेल ग्रेडेड सॉइल है तो CU की वैल्यू > or = 15 होगा, और पुअरली ग्रेडेड सॉइल है तो CU की वैल्यू 5 से 15 होगा. ठीक है, पुअरली और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए जो है 5 से 15 के बीच में होगा. अगर पार्टिकल साइज जो है सेम है तो CU की वैल्यू 1 होगी. और देखिए ये दोनों वेल ग्रेडेड सैंड और वेल ग्रेडेड ग्रेवाल, इसकी वैल्यू बहुत बार पूछा हुआ है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में. एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल. जो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इनऑर्गेनिक क्ले है जिसको हम हाई क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल. तो जो है ये एक ही इसमें सिंबल ही है CH जो कि क्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हाई परसेंटेज क्ले का है ये. ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल क्ले बोलते हैं इसको, तो बी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे. फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी वॉट आर द कोर्स ग्रेन्ड एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल रेस्पेक्टिवली कॉम्पैक्टेड एज. तो देखिए जो कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड के कॉम्पैक्शन को पूछ रहे हैं बेटर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए, तो कोर्स ग्रेन्ड में जो है ड्राई साइड ऑफ OMC बढ़िया रहेगा स्ट्रेंथ के लिए, और जो फाइन ग्रेन्ड है उसमें वेट साइड ऑफ OMC बेटर रहेगा. ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले विथ लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 28% इज क्लासिफाइड एज. तो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन से कह रहे हैं कि सिल्टी क्ले है जिसमें लिक्विड लिमिट 40% है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 28% है, तो बताइए क्या होगा वो. तो इसको हमें देखना पड़ेगा. आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन. देखते हैं इस ग्राफ में प्लास्टिसिटी चार्ट रिलेशन है.
तो इस जो रिलेशन है प्लास्टिसिटी चार्ट रिलेशन, ये आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 35% वाटर कंटेंट और 50 के बीच में जो एरिया होता है वो इंटरमीडिएट होता है, 35 से जो कम होता है वो लोअर का होता है और 50 से जो ज़्यादा की तरफ होता है वो हायर का होता है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या हमारा दिया, पिछले क्वेश्चन में हमें बोला है प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है 28% है और लिक्विड लिमिट जो है वो 40% है। तो देखिए इसमें दो लाइन होती है, एक यू लाइन होती है और एक ए लाइन होती है, ठीक है। तो यू लाइन का इक्वेशन जो होता है आई पी इक्वल टू 0.90 WL - 8 और ए लाइन का इक्वेशन होता है आई पी इक्वल टू 0.73 WL - 20। तो हमें लिक्विड लिमिट गिवन है, दोनों इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी आई पी की वो आ रही है दोनों में 28.8% और 14.6%। वैसे हमें जो है गिवन है 20 आई पी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारे पास है वो 28% है, ठीक है। तो 28% है लेकिन आई पी जो यू लाइन की है वो 28.8% है। तो इसमें जो है हम देखें तो 25 और 30 के बीच में देखें 28% आएगा और ये जो है ए लाइन के ऊपर होगा तो इंटरमीडिएट जो है एरिया में आएगा। तो जो सॉइल होगी ये हमारी होगी सी आई। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, इंटरमीडिएट क्ले जो है ये बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको ऐसे ही देखना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखना है और इससे सॉल्व करना है या प्लास्टिसिटी इंडेक्स का परसेंटेज देखना है। कभी कभी जो है डायरेक्टली वाटर कंटेंट में दे देता है, 35% से लेस है तो क्या है और 50% से अबव है तो क्या है। देखिए यहाँ पे जो सीएल है ये लोअर जो क्ले है और ऑर्गेनिक सॉइल जो है लोअर ये ओएल है, एमएल जो है लोअर सिल्ट है, ठीक है, लो सिल्ट है। इंटरमीडिएट में इसी की नोटेशन हो जाएगा और हाई क्ले हो जाएगी यहाँ पे और ये जो है हाई ऑर्गेनिक सॉइल और हाई जो है सिल्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लास्टिसिटी की ये बातें इनमें हो रही हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ वन सॉइल इज 0.7 mm/s, वन सॉइल इज 0.7 mm/s डायमेंशन, देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज। देखिए पहली बार डायमेंशन इसमें गिवन है और ये डायमेंशन जो है ये आपको जानना पड़ेगा किस चीज़ का है। तो ये डिनोट कर रहा है के को, के मतलब परमेबिलिटी को, ठीक है। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, इस वजह से इसकी जो है यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड या एमएम पर सेकंड। तो 0.7 गिवन है, तो 0.7 गिवन है तो हमें हमारी जो है परमेबिलिटी क्या होगी, किस सॉइल की होगी, पेबल की होगी या स्मूथ क्ले की होगी या सैंड की होगी या ह्यूम्स की होगी। तो हमारी जो परमिबिलिटी होगी ये स्मूथ क्ले की होगी 0.7 mm/s। देखिए रेंज क्या है, सॉइल टाइप पहला ग्रेवल है, 10^2 से 1 तक जो होता है ये ग्रेवल होता है, ये हाईली परमिबल होता है। सैंड इसके बाद आ जाएगी 1 × 10^-3, ये परमिबल है और फिर सिल्ट हो जाएगी 10^-3 से 10^-6, ये पार्शली परमिबल होता है और जो क्ले होता है ये 10^-6 से लेस होता है, ये नॉन परमिएबल होता है। ये सेंटीमीटर पर सेकंड में सारी चीज़ है। तो अगर हम पिछले ऑप्शन में देखें वो 0.7 mm है mm पर सेकंड में, तो mm पर सेकंड में होगा तो ये क्ले में ही आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट फॉर ए लार्ज एरिया मे बी डिटरमाइंड बाय द। तो जो ओवरऑल वैल्यू है, अगर लार्ज एरिया हम लेते हैं जो है ओवरऑल वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी की लेना है, लार्ज डिपॉजिट है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो उस केस में हम जो है कौन सा टेस्ट लेंगे, क्या कॉन्स्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट है, नहीं, क्या वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट है, नहीं, क्या पंपिंग आउट टेस्ट है। ये एकदम सही है, पंपिंग आउट टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा
एरिया में अगर वाटर है लार्ज एरिया में तो उस केस में हम इस परमिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप वेल ले लीजिए, ओपन वेल है तो उस एरिया में हम लेंगे, ठीक है। पंपिंग इन टेस्ट नहीं होगा, पंपिंग इन टेस्ट में हम जो है उसमें पानी डालते हैं आउटसाइड से, तो उसमें परमिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, द परमिबिलिटी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाई यूजिंग। जो कोहेसिव सॉइल होती है उसकी परमिबिलिटी अगर हमें निकालना हो तो बेस्ट जो होगा हमारे लिए वो फॉलिंग हेड जो है परमीमीटर होगा, जो फॉलिंग हेड मीटर से हम निकालते हैं कोहेसिव सॉइल की परमिबिलिटी, ठीक है। और कांस्टेंट हेड से हम क्या निकालते हैं, कांस्टेंट हेड से हम निकालते हैं जो है कोहेसन लेस सॉइल का, ठीक है, या आप कह सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ के इज कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी, एम बी इज कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज एंड गामा डब्ल्यू इज यूनिट वेट ऑफ वाटर, देन कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन विल बी। तो ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद भी रखना जरूरी है। तो जो होता है के इक्वल टू होता है सी वी एम बी इंटू गामा डब्ल्यू, तो जो सी वी की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा के अपॉन एम बी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन अपने परमिबिलिटी के, ठीक है, और यूनिट वेट के वाटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक चेंज के, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज के। और आगे अगर हम इसको देखें, इसकी कुछ बातें और देखते हैं, तो देखिए जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है इसकी जो डायमेंशन होती है ये होती है हमारी जो है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, तो के की ही हमारी यूनिट हो जाती है। और अगर बात करें हम इसी के साथ ए वी जो होती है उसकी क्या डायमेंशन होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन किलो न्यूटन। और एम बी की डायमेंशन की बात करें तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है उसकी भी जो डायमेंशन होती है वो मीटर स्क्वायर अपॉन किलो न्यूटन होती है। और अगर हम इसी की डायमेंशन की बात करें जो है इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल की बात करें तो वो किलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। और सी आर की कोएफिशिएंट ऑफ रिकंसोलिडेशन की बात करें तो वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और देखिए एक रिलेशन और याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछ लेता है कभी कभी या इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, एम बी इक्वल टू ए वी अपॉन वन प्लस ई, ठीक है। ये हमारा एक और फार्मूला है जो कि ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। अच्छा, एम बी की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दें इस फार्मूले में तो सी वी की वैल्यू जो हमारी एक निकल के आती है वो आएगी के ब्रैकेट में वन प्लस ई नॉट अपॉन ए वी गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो एक फार्मूला है ये भी सी वी का निकल के आता है। देखिए क्या फार्मूला रहेगा सी वी का, तो सी वी का फार्मूले की बात करें, सॉरी सी वी के फार्मूले की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे सी वी का फार्मूला जो आएगा वो आएगा अपना के वन प्लस ई नॉट अपॉन ए वी इंटू हमारा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये पुट ऊपर वाला फार्मूला जो हमने पहले बताया एम बी का वो पुट करके ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए जो है लिस्ट दी हुई है पहली और दूसरी, इसको मैच करना है तो हम देखते हैं इसको। पहला है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बताता है ये बताइए, डार्सिला पॉइजली अटरबर्ग। तो स्टोक्स लॉ हम देखें, ये जो है वेलोसिटी ऑफ सेटिंग बताता है पार्टिकल्स की, स्टोक्स लॉ, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी से निकालते हैं स्टोक्स लॉ, इस ये बताता है। और डार्सिला की हम बात करें तो ये सॉइल में जो है वाटर फ्लो को डिनोट करता है, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और
अगर हम पॉजली की बात करें तो पॉजली जो है ये, अब अटरबर्ग की बात करते हैं, ये जो है अटरबर्ग जो है ये कंसिस्टेंसी लिमिट को बताता है, और पॉजली जो बचा है ये हमें बताएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, तो इसमें हम अगर मैच करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दसवें क्वेश्चन में कह रहे हैं द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स एन सी एन क्यू एन गामा आर फंक्शन ऑफ, तो जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है ये फंक्शन किसका होता है, कोहेजन ऑफ सॉइल, फ्रिक्शन एंगल, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, या डी ऑप्शन है बोथ कोहेजन ऑफ सॉइल एंड फ्रिक्शन एंगल। देखिए ये इंटरनल फ्रिक्शन एंगल पे डिपेंड करता है तीनों, ठीक है, ये इंटरनल फ्रिक्शन एंगल पे जो है बियरिंग फैक्टर, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मच इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ पार्टिकल फॉर स्टोक्स लॉ टू बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेस देन 0.002 mm, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 0.002 mm, पहला ऑप्शन में 0.0002 mm, और तीसरा ऑप्शन में 0.02 mm, और चौथा ऑप्शन है 0.2 mm। देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ये एकदम गलत है, दूसरा भी एकदम गलत है, लेस नहीं होगा, मोर देन 0.02 mm ये भी गलत है, और अगर हम बात करें डी ऑप्शन की तो ये सही है, क्योंकि इसमें जो है हम अपर लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो है 0.002 mm से लेस नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स में ब्राउनियन मोशन होने लगेगी और सेटल होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, स्टोक्स लॉ में, और 0.2 mm से ज़्यादा अगर हो जाएगी तो पार्टिकल में जो है एग्रीगेशन होने लगेगा और वो एक साथ सेटल होंगे, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो रेंज क्या होगा हमारा 0.0002 mm से लेके 0.2 mm तक स्टोक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं द परमिबिलिटी ऑफ ए गिवन सॉइल, पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ग्रेन साइज, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ग्रेन साइज, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ग्रेन साइज, और चौथा ऑप्शन है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज ग्रेन साइज। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। जो परमेबिलिटी है ये एलन हेजन का अगर हम इक्वेशन देखें तो के इक्वल टू हो जाएगा सी डी टेन, इफेक्टिव साइज है, का होल स्क्वायर, ठीक है, और सी की वैल्यू जो होगी वो 100 और 200 के बीच में होगी, ठीक है, कांस्टेंट होता है। अगर हम अदर हैंड बात करें, एक और जो है इक्वेशन होता है के का, के इक्वल टू 1/c (1/s²) इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू ब्रैकेट में ई क्यू अपॉन 1+e, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होता है इसमें जो सी होता है वो सेफ फैक्टर होता है और एस जो होता है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विस एरिया जो होता है ए वाई बी होता है। तो इसमें जो के की वैल्यू होती है वो यूनिट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वाइड रेशियो के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है, और साथ साथ जो है विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन द लेवल ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस राइजेज, देन फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज अ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट नो चेंज इन नेट टेंशन, दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द पोर वाटर प्रेशर एंड नेट टेंशन, तीसरा ऑप्शन है डिक्लाइन इन द पोर वाटर प्रेशर बट राइजेज इन नेट टेंशन, चौथा ऑप्शन है राइज इन द पोर वाटर प्रेशर बट डिक्लाइन इन नेट टेंशन। देखिए यहाँ पे जो होगा सही वो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, जो है इसमें कंटिन्यूस इंक्रीज होगा पोर वाटर प्रेशर में बट नेट टेंशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पोर वाटर जो है पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा जितना उतना ही बैलेंस होता जाएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, टोटल स्ट्रेस भी उतना बढ़ेगा जितना पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो है कोई
कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टोटल टेंशन पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल द रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बियरिंग प्लेट यूज्ड इन प्लेट लोड टेस्ट इज 30-75 सेंटीमीटर विथ अ मिनिमम थिकनेस ऑफ। तो इसमें जो है अल्टीमेट बियरिंग निकाल रहे हैं और रिकमेंडेड जो प्लेट है उसकी साइज है 30-75 सेंटीमीटर, तो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए ये बताइए प्लेट लोड की, प्लेट की, ठीक है, प्लेट लोड की। तो हम बात करेंगे मिनिमम थिकनेस जो होती है वो 25 mm होती है और इसमें जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 25 mm याद है तभी आप लोग लगा पाएंगे, मिनिमम थिकनेस जो होती है वो 30 mm होती है और मिनिमम साइज़ की बात करें अगर हम स्क्वायर प्लेट है तो जो है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो जाता है, फिर 45 आता है, लेकिन मिनिमम जो होता है 30 सेंटीमीटर होता है, 30 × 30 और मैक्सिमम जो है अपर जो साइज़ है उसकी वो 75 है। तो ये सारी बात ध्यान रखिए प्लेट लोड टेस्ट के रिगार्डिंग, ये आ सकता है, बार बार पूछता है प्लेट लोड टेस्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इफ द फुटिंग इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर टेबल द रिडक्शन फैक्टर फॉर बियरिंग कैपेसिटी मे बी एज हाई एज, पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा 65% और चौथा 75%। तो जब फुटिंग के कॉन्टैक्ट में वाटर टेबल हो तो रिडक्शन फैक्टर जो है बियरिंग कैपेसिटी में कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम जो होता है वो 1/2 होता है 50%, और ये तो डायरेक्ट समझ में आया नहीं होगा इसलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, पहले डायग्राम देखेंगे। देखिए जो हमारा इक्वेशन होता है बियरिंग कैपेसिटी का, सीएनसी गामा डीएफ एन क्यू, सीएनसी प्लस गामा डीएफ एन क्यू प्लस 1/2 गामा बी एन गामा, ठीक है, ये एन सी एन की और ये सब जो है ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, और आर क्यू और आर गामा जो है ये जो है हमारा वाटर करेक्शन फैक्टर है। तो इस डायग्राम में देखिए फुटिंग है बी साइज की, डेप्थ डीएफ है और उस जोन में वाटर टेबल जहाँ तक पहुँचती है उसको हम जेड क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और जो फुटिंग के बेस के नीचे से वाटर टेबल जहाँ तक है उसको हम जेड गामा से डिनोट कर रहे हैं, और जोन वन जो है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जोन बी है जिसमें जो है हमारी जो है विड्थ के बराबर ही डेप्थ रहती है, ठीक है, और पहले जोन में हमारी जो है डीएफ है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए वेयर आर क्यू एंड आर गामा आर वाटर टेबल करेक्शन, आर क्यू जो है 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस जेड क्यू अपॉन डीएफ होगा, ठीक है, ये नोटेशन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। देखिए जेड क्यू अपॉन डीएफ हो जाएगा 1/2 1 ब्रैकेट में 1 प्लस जेड क्यू अपॉन डीएफ, ऐसे ही आर गामा जो होगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस जेड गामा अपॉन बी हो जाएगा, बी जो है ये साइज हमारी फुटिंग की, ठीक है। व्हेन जेड क्यू रेंजेज बिटवीन 0 to d, तो हमारा जो है जब जो है जीरो होगा उस समय वैल्यू हाफ आएगी, और जब डीएफ होगा तो उस समय वैल्यू जो है हमारी वो 1 आएगी, ठीक है। ऐसे ही बी के केस में अगर हम देखें तो जब जेड गामा जो है हमारा जीरो होगा तो हाफ आएगी वैल्यू, और जब बी जेड गामा के इक्वल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू 1 आएगी। इफ वाटर टेबल राइजेस टू ग्राउंड लेवल, तो हम दो एरिया में करेक्शन कर सकते हैं, हाफ सेकंड में और हाफ थर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द अप्रोप्रिएट ट्राइएक्सियल टेस्ट टू असेस द इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ एन अनलोडिंग प्रॉब्लम सच एज एग्जीक्यूशन ऑफ क्ले स्लोप वुड बी द, तो अप्रोप्रिएट ट्राइएक्सियल टेस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम इमीडिएट स्टेबिलिटी की बात करते हैं अनलोडिंग प्रॉब्लम में तो हमारा कौन सा टेस्ट सुटेबल होगा एग्जीक्यूशन के केस में, जो क्ले का हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए इमीडिएट स्टेबिलिटी जो होती है हमारी वो उस केस में हम जो है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये जो है क्ले के केस में बेस्ट होता है, ठीक है।
क्ले के केस में सडन हम लोड लगाते हैं और जो है ज़्यादा लोड लगाते हैं, उस समय जो है ड्रेनेज जो है नहीं हो पाता है, लेकिन कॉम्पैक्शन जो कंसोलिडेशन वो पूरा हो जाता है। तो ये जो केस है ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, अनकंसोलिडेटेड अनट्रेन टेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन में क्ले सॉइल्स आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय, जो क्ले सॉइल होती है ये बेस्ट कॉम्पैक्टेड होती है सी फुट रोलर से, ठीक है। तो सी फुट रोलर होता है, इससे हमारी बेस्ट कॉम्पैक्शन क्या होता है, और जो है रोड के केस में क्ले सॉइल को हम सी फुट रोलर से ही करते हैं। 15 से लेकर 45 सेंटीमीटर की इसकी डेप्थ रहती है, चलिए 250 mm की हम लेके चलते हैं, रोलिंग करते हैं अर्थवर्क का या सबग्रेड की बात करें, ठीक है। और सैंड के केस में देखिए हमारा जो है वाइब्रेटरी रोलर लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर कोहेसिव सॉइल विथ इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जब हम कोहेसिव सॉइल की बात करें, इंक्रीज करते हैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट मतलब लोड ज़्यादा कर दें कॉम्पैक्शन का, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, ये तो जो है घट जाएगा। देखिए पहले हमारा अगर हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर से बात करें तो इस तरीके कुछ ग्राफ बन रहा था, ये वाटर कंटेंट जो है OMC और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बन रही है। फिर हमने जो है मॉडिफाइड प्रॉक्टर से किया तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, जल्दी अचीव हो जाएगी, लेकिन OMC जो है ये घट जाएगा, ठीक है, इतना घट गया। तो ये बात ध्यान देना है। और जो है जब हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाएंगे तो हमारा जो है ड्राई डेंसिटी जल्दी अचीव हो जाएगी, लेकिन OMC घट जाएगी। और साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड लो वेट हैमर की बात करें, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर है उसमें देखें तो वेट जो हमारा था 2.6 kg होता है हैमर का। और हैवी वेट की बात करें, मॉडिफाइड प्रॉक्टर जो है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट भी कह सकते हैं, उसमें जो हैमर का वेट होता है, इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, इस प्रॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें वेट जो होता है 4.9 kg होता है, ठीक है। और कॉम्पैक्शन किस लिए करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉम्पैक्शन हम लोग करते हैं मास डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, और साथ साथ स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय मींस ऑफ कॉम्पैक्शन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इंक्रीज। तो ये देखिए एक्सप्लेन ही कर दिया पहले मैं, सारी चीज़ दिया, मास डेंसिटी, शियर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, तो हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, टू स्पेसिफिक ऑफ क्ले ए एंड बी आर टेस्टेड इन कंसोलिडेशन अपरेटस इफ MVA इक्वल टू इतना, ये देखिए MV इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁴ स्क्वायर अपॉन क्ले न्यूटन होगा, यहाँ किलो वाट दिया है, ये एकदम गलत दिया है, किलो न्यूटन होगा, ठीक है। और CV की वैल्यू दी हुई है, CV B की वैल्यू 1.9 दी है, CV A की वैल्यू 3.8 दी हुई है। तो बताइए इसमें पूछ रहा है कि जब रेशियो K एंड B इज इक्वल टू वेयर इक्वल टू वेयर MV इज कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एंड CV इज कोफिशेंट ऑफ कंसोलिडेशन, तो KA और KB का रेशियो पूछ रहा है, तो बहुत इजी है। आइए देखते हैं, देखिए KA की वैल्यू गिवन है, KA की वैल्यू है MV A CVA। देखिए यहाँ पे जो है गामा वाटर जो यूनिट वेट है उसको भी रख सकते हैं, लेकिन उसको हटा दिए, दोनों कट जाएगा डिवाइड करने पे, तो पुट कर दिए इसकी वैल्यू सारी, MV की वैल्यू, CV की वैल्यू, और फिर KB में MV V और CV V है, इसमें दोनों वैल्यू पुट कर दिए, और फिर डिवाइड किया K और KB को, तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू जो है हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय, जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है रेस्ट पे क्या होता है ये बताइए, रेस्ट जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है उसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास ये होगी
म्यू अपॉन वन माइनस म्यू। देखिए क्या होता है, जब रेस्ट की बात करें हम तो के के नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के नॉट ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल इक्वल टू के नॉट नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, और फिर के नॉट की वैल्यू जो होगी इक्वल टू के अपॉन ओ सी आर ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। तो ये भी दो चीज़ याद रखेंगे, ठीक है आप लोग, जो है के नॉट अर्थ प्रेशर जो है रेस्ट पे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का इक्वल होता है के नॉट नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, और के नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये के अंडर रूट ओ सी आर, ओ सी आर यहाँ पे ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो है, जो कि जो है डेंस क्ले के लिए जो सैंड होगी, जो डेंस क्ले के लिए इसकी ओ सी आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, ठीक है। और जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है के, उसकी वैल्यू जो है वन माइनस साइन फाई अपॉन वन प्लस साइन फाई, और पासिव अर्थ प्रेशर है जो इसके कोफिशियंट की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस साइन फाई अपॉन वन माइनस साइन फाई। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और जो है वो फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेता है। अब इन तीनों की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेशर होता है, जो है ये पासिव अर्थ प्रेशर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रेस्ट होता है, और सबसे कम जो होता है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है। पासिव में देखिए क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में वॉल के अपोजिट डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है, जिधर अर्थ फील है उधर ही मूवमेंट करते हैं, तो ज़्यादा ही पासिव प्रेशर लगता है, और जो वॉल है उसके जो है वॉल जिधर अर्थ फील नहीं है उधर मूवमेंट होता है, तो ये जो है एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है जो कि सबसे कम होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हमारा 22 क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल विच इनेबल्स टू रीगेन इट्स स्ट्रेंथ लॉस्ट ऑन रिमोल्डिंग इन अ शॉर्ट टाइम विदाउट चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी बताइए जो स्ट्रेंथ जो है रिगेन करती है रिमॉल्डिंग के बाद शॉर्ट टाइम में, और उसी वाटर कंटेंट पे वाटर कंटेंट चेंज ना हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। जब जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करती है सॉइल रिमॉल्डिंग के बाद, तो उस प्रॉपर्टी को थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। और देखिए ये रिलेशन सीधे सेंसिटिविटी से है, सबसे ज़्यादा बात अच्छी ये है कि सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो सॉइल उतनी ही ज़्यादा थिक्सोट्रॉपी होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, इस ऑप्शन में सेंसिटिविटी दिया हुआ है, तो सेंसिटिविटी क्या होती है, ये डिफाइन होती है जो है रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसिमेन या नेचुरल स्पेसिमेन कह सकते हैं आप लोग, ऑफ द सॉइल टू द अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पेसिमेन ऑफ सेम सॉइल आफ्टर रिमॉल्डिंग एट अनअल्टर्ड वाटर कंटेंट, अनअल्टर्ड वाटर कंटेंट, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी भी अनअल्टर्ड पे होगी और सेंसिटिविटी भी, तो ये यहाँ पे रेशियो गिवन है, और एस टी लेस देन वन होगा इक्वल टू वन लेस देन वन इन केस ऑफ स्टिफ क्ले हैविंग क्रैक्स एंड फिशर्स, जब ये एक से कम होगा। अगली बात करते हैं, देखिए इसमें सेंसिटिविटी और क्लासिफिकेशन इसका गिवन है, अगर सेंसिटिविटी वन है तो नो लॉस इन स्ट्रेंथ ऑन रिमोल्डिंग, टू से फोर के बीच में तो सॉइल इज नॉर्मली सेंसिटिव, फोर से एट के बीच में है तो सेंसिटिव होगी, और आठ से पंद्रह के बीच में तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगी, और पंद्रह से ज़्यादा है तो क्विक हो जाएगी जिसमें हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज भी याद रखना, आठ से पंद्रह में एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है और पंद्रह से ज़्यादा में क्विक हो जाएगी, और फोर से एट में सेंसिटिव रहती है, ठीक है। आगे और देखते हैं, थिक्सोट्रॉपी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर ए टाइम अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू रिमोल्डिंग एट अनअल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ये रिगेन करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ को कुछ समय बाद, जो हायर सेंसिटिव होती है वो ही लार्जर थिक्सोट्रॉपिक होती है सॉइल। अब एक और है यहाँ पे
देख लेते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ क्ले क्या होती है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज फाइनर वे परसेंटेज फाइनर देन टू मी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो बाय वेट परसेंटेज फाइनर टू माइक्रोन। ठीक है, तो जो दो माइक्रोन से पास कर जाएगी सीव के उस सॉइल का वेट हम लेते हैं। तो एक्टिविटी क्लासिफिकेशन देखें, अगर एक्टिविटी जो है 0.75 से कम होगी तो इनएक्टिव होगी, और 0.75 से 1.25 होगी तो नॉर्मल होगी, और फिर अगर 1.25 से ज़्यादा होगी तो एक्टिव होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार, और इसकी डेफिनेशन और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है एक्टिविटी ऑफ क्ले। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग सॉइलिंग और सिंकेज ये फंक्शन होता है आईपी और परसेंटेज ऑफ क्ले का, और सीधे एक्टिविटी पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सीयर टेस्ट ऑन कोहेशन लेस सॉइल इफ इनिशियल वॉइड रेशियो इज लेस देन द क्रिटिकल वॉइड रेशियो द सैंपल विल। तो कोहेशन लेस सॉइल के लिए इनिशियल वॉइड रेशियो जो है अगर लेस हो क्रिटिकल सॉइल रेशियो से तो उस केस में क्या होगा? तो देखिए क्या होगा इस केस में, इस तरीके ग्राफ बनता है, बड़ी क्रिटिकल वॉइड रेशियो है और वॉल्यूम के बीच में, पहले देखिए ऐसे ग्राफ बनता है फिर ऐसे ग्राफ बनता है, जब ये वैल्यू ज़्यादा हो एक और ये वैल्यू दूसरी कम हो क्रिटिकल रेशियो से वॉइड रेशियो, तो कम है तो पहले क्या होता है इनिशियली डिक्रीज होगी और उसके बाद इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये निगेटिव एरिया है तो इसमें पहले डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है, इस तरीके कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी 23 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल इज ऑब्टेंड बाई। तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल किससे ऑब्टेंड करते हैं हम? तो ये बहुत ही सावधानी से हमें काम करना पड़ता है, थिन वॉल्ड सैंपलर से हम लोग अनडिस्टर्ब्ड सॉइल को ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अनलिमिटेड कंप्रेशन टेस्ट, इन अनलिमिटेड कंप्रेशन टेस्ट ऑन अ सैंपल ऑफ स्लिमी क्ले ऑफ इनिशियल वॉल्यूम वी एंड लेंथ एल द ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑन फेलोअर इज टेकन एज। ये लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हम अनलिमिटेड कंप्रेशन टेस्ट नहीं, अनकन्फाइंड होना चाहिए, ये ट्राइएक्सियल का एक फॉर्म होता है उसी का है। तो इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है फेलोअर पे, जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है इनिशियल और फाइनल, उस पर हम निकालते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो जो है वो मिलेगी हमारी यहां पे वी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यहां पे बी ऑप्शन सही होगा, ये 24 में भी 25 में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट 26 देखते हैं, द यूजफुल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ वेरी प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल इज बाय मींस ऑफ। तो जो हमारा बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सॉइल होती है उसको हम किस टेस्ट से निकालते हैं ये जानना चाहते हैं। तो जो सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले होती है उसमें हम वेन सीयर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, और टॉर्जन सीयर टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाई विच अ मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज कॉज्ड बाई एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यू टू सडनली लूज इट्स सीयर स्ट्रेंथ एंड बिहेव एज अ फ्लूड इज। तो वो प्रोसेस बताइए जिससे एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स से सडनली सॉइल स्ट्रेंथ लूज हो जाती है और लिक्विड के तरीके से बिहेव करता है। तो ये कंडीशन जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्विक कंडीशन। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं, और ये पाइपिंग और स्लाइडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्राई एक्सियल टेस्ट इज यूजली कैरिड आउट एज। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट जो होता है ये
सबसे बेस्ट सुटेड होता है अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट के लिए भी, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट के लिए, अनड्रेन टेस्ट के लिए भी, तीनों के लिए ये होता है, सभी के लिए बेस्ट होता है ट्राइएक्सियल टेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट व्हेन अ सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूड प्रेशर ओनली द मोहर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन सैंपल इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्राई एक्सियल टेस्ट में जब हर तरफ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूड प्रेशर लग रहा हो तो हमारा मोहर सर्किल किस तरीके का बनेगा। तो जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यूनिफॉर्मली लग रहा हो हर तरफ से, उस केस में जो हमारी मोहर सर्किल बनती है वो क्या बनती है, एक पॉइंट बन जाती है, और ये पॉइंट जो है ओरिजिन पे रहता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसे ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोस्टेटिक हर तरफ से लग रहा हो तो उस समय जो है इक्वली यूनिफॉर्मली लग रहा हो तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है मोहर सर्किल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल एक ले लिया गया है एक्टिव अर्थ प्रेशर का, तो के की वैल्यू जो होती है 1 - sin φ / 1 + sin φ, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 30 sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू जो है 1/3 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी के साथ एंड करेंगे इस वीडियो का, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिससे उन्हें भी लाभ मिल पाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।